दोस्तों ये देखिए यहाँ पे कंटिन्यू विथ सिस्टम रिस्टोर और यहाँ पे दिखा रहा है डिलीट रिस्टोरेशन डाटा एंड प्रोसेस टू सिस्टम बूट नेम। ठीक है, तो अभी कीबोर्ड में एंटर करने के लिए कह रहा है और ये जो अपर और डाउनर है इससे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये अपर है, कुछ नहीं हो रहा है, और ये डाउनर है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर मैं एंटर में प्रेस करता हूँ, ये देखिए काम नहीं कर रहा कीबोर्ड। ठीक है, तो आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और इसको आप कैसे ठीक करेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम मानिक है और मैं टेक्निकल साइबर स्कूल से बोल रहा हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो नए व्यूअर्स है मेरे चैनल में अभी अभी आए हैं उनको उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी सब्सक्राइब कर ले, तो इस तरह की वीडियोज आपको मिलता रहेगा हमेशा। तो मैं अभी इसको सॉल्व करता हूँ। सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों इसको ठीक करने के लिए आप लोगों को जो बायोस है इसको रिसेट करना पड़ता है। तो ये जो बायोस है बैटरी, तो इसको मैं अभी निकाल लेता हूँ। एक्चुअली मैंने स्क्रू ड्राइवर नहीं लिया है, मैं उंगली से ही कर रहा हूँ। ये आ गया और ये है बायोस, ये बैटरी है। तो इसको मैं 10-15 सेकंड बाहर ही रखूँगा। इसको मैं फिर से उसी जगह से जहाँ से निकाला था वहीं पे लगा दूँगा। ठीक है, और मैं फिर से इसको उसी जगह पे सेट कर रहा हूँ। ये मैंने सेट कर दिया है। तो दोस्तों अभी मैं ऑन करके देखता हूँ ये ठीक हुआ कि नहीं है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो बैटरी था सी मॉस का, वो मैंने मदरबोर्ड से खोला था, इसके बाद फिर से लगा दिया और ये आ गया अभी डिफ़ॉल्ट बायोस सेटिंग्स में। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो प्रॉब्लम आपका हो रहा है जब भी आप बायोस खोले मेन बोर्ड से भी ये इसको अनप्लग कर ले कंप्यूटर को, ठीक है, डेस्कटॉप या लैपटॉप से। तो मैं एक नंबर पे ही क्लिक करता हूँ अभी और देखते हैं क्या होता है। और अभी ये रिबूट होगा, ये देखिए दोस्तों आ गया और कीबोर्ड भी काम कर रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और आपने देखा भी है कि कैसे मदरबोर्ड को रिसेट करना है सिमोस को। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।